हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो से पता चल गया होगा कि मैं अभी इसराइल में आ गया हूँ ऑस्ट्रेलिया वीज़ा में डिले की वजह से। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को इसराइल का थोड़ा टूर कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना घर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये बिल्डिंग मेरे पीछे दिख रहा है, यहीं पर मैं रहता हूँ। तो इसराइल में ऐसा इंडियन सिस्टम नहीं है, यूनिवर्सिटी हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है, तो हमको खुद से अपना अकोमोडेशन का जुगाड़ करना पड़ता है। तो ये मेरा घर है, मैं अभी आपको अंदर ले जाऊंगा। सबसे पहले मैं इसके बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसा आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सर्कल के पास में है, ये पूरा बाहर का व्यू है मेरे घर के। तो अभी हम घर में एंट्री लेंगे और चल के देखेंगे कि घर कैसा है। तो ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हमको एंट्री लेनी होती है, और एंट्रेंस के बाद ये लॉबी, और ये सामने लिफ्ट है। तो मेरा जो अपार्टमेंट है वो फोर्थ फ्लोर पे है। तो अभी हम फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे। फोर्थ फ्लोर पे आते ही, लिफ्ट से बाहर निकलते ही, ये जो मेन एंट्रेंस है मेरे घर का। तो और घर में एंट्री लेते ही सबसे पहले आपको मिलेगा किचन। तो ये किचन है जो कि हमको, ये बेसिकली थ्री बेडरूम हाउस है, तो तीन लोगों को ये शेयर करना पड़ता है, जिसमें से दो ही लोग रहते हैं, एक मैं रहता हूँ और एक और बंदा रहता है, तीसरा रूम खाली है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे किचन में सारा फैसिलिटी अवेलेबल रहता है। सो बेसिकली ये फुल फर्निश्ड हाउस है। ये फ्रिज रखा हुआ है जिसमें कि हम अपना कुछ खाने का सामान रखते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, सब्जी वगैरह। और फिर ये गैस है, और ये सारे वार्डरोब हैं, और ये माइक्रोवेव पीछे था, ये ओवन है, और ये वार्डरोब में आप अपना सारा सामान, यूटेंसिल वगैरह रख सकते हो। अभी किचन से एक लॉबी आएगा, लॉबी से एंट्री करते ही ये मेरा कमरा है। सो ये मेरा रूम और ये मेरा बेड है, और इधर आपको ये बहुत सारा वार्डरोब दिखेगा जिसमें कि आप सामान वगैरह रख सकते हो। और सामने के वार्डरोब में भी मैंने बहुत सारा सामान कचरा फैला रखा है, जैसा कि इंडियन लोगों का आदत होता है, वो अभी मेरा गया नहीं है, अच्छे से इसको मेंटेन करना है। और जो घर का सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है, जैसे ही आप इसको खोलोगे एक बड़ा सा बालकनी आपको दिखेगा, ये बालकनी, इसमें मैं अपना टॉवल सुखा रहा हूँ। और जो बाहर का बालकनी का व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है, ये आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। और आज यहाँ पे फ्राइडे है, तो यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे दो वीकेंड होता है, और संडे इनका फर्स्ट वर्किंग डे होता है, तो इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा कम दिख रहा है, बट फिर भी काफ़ी लोग हैं इधर। तो मुझे ये जो है वो बेस्ट पार्ट लगता है इस घर का। अभी बात करते हैं कि रेंट कितना है। तो ये तीन बेडरूम का अपार्टमेंट है जिसमें कि मैं बस शेयरिंग में रह रहा हूँ, और एक बेडरूम मैंने ले रखा है, और बाकी दो में दो और बंदे रहते हैं, जिसमें एक ही बंदा है और एक रूम खाली पड़ा हुआ है। तो ये टोटल जो मुझे देना पड़ता है वो यहाँ का करेंसी जो है वो सेकल होता है, उसको सेकल बोलते हैं, और 1 सेकल इज इक्वल टू 23 पॉइंट समथिंग इंडियन रुपीस, तो मतलब कि 23 रुपया ऐसे कुछ होता है। और जो मेरा रेंट है वो 2000 है। तो आप सोच सकते हो कि कितना एक बेडरूम का मुझे कितना यहाँ पे देना पड़ता है, ऑलमोस्ट 46 या फिर 47,000 में पे करता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल अबीब जो है वो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में आता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, पर उसके हिसाब से ये लोग पे भी करते हैं, तो उतना कुछ दिक्कत नहीं होता है।
और अभी तक तो ये मुझे जगह अच्छा ही लग रहा है, मतलब रिसर्च के लिए तो काफ़ी फेमस है इसराइल। इसराइल का साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा है, तो सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल फॉर मी। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। पर मेरा तो ऐसे मन ऑस्ट्रेलिया ही जाने का था, पर वहाँ पे वीज़ा प्रोसेसिंग में टाइम लग गया, उसकी वजह से इधर आ गया मैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं जस्ट चाहता था कि अपना घर दिखाऊं, क्योंकि जो भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं वो इधर आना चाहते हैं, या फिर उनको ये क्यूरियासिटी होगा कि वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होता है। तो मैंने सोचा कि उसके लिए ये वीडियो बना दिया जाए। तो आगे के वीडियो में मैं और कैंपस का और यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, और यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, और जो यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सब भी मैं कोशिश करूँगा कि आगे के वीडियो में मैं दिखाऊँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।